एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन पेपर वो कम्प्लीटली एनालाइज किया था। हमने देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपी मैट रोहतक का 2020 का एक पेपर है, हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया कि टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है 120 क्वेश्चंस हैं जो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है हमारा वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश का सेक्शन है। तो इन सभी सेक्शंस के हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको भी हम आगे तोड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखें ताकि हम जज कर पाएँ कि आपने प्रिपरेशन करनी है तो क्वेश्चंस किस तरह से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो सेक्शन वन इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो सेक्शन वन क्वांटिटेटिव एबिलिटी में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। तो जैसा हमने लास्ट टाइम किया था कि साथ साथ हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते जाते हैं, कैटेगराइज करते जाते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आप कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीच में वीडियो को पॉज करके उस लिस्ट में, ताकि आपको आगे आने वाली प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर वन, सेक्शन वन में हम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को आप पहचानते होंगे। यह है डायग्राम पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? एक कम्प्लीट सर्कल को हम 360 डिग्री को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, बिना क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हम एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप का चार्ट मिलेगा, लास्ट टाइम आईपी मैट इंदौर के पेपर में हमें बार ग्राफ मिला था, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमें पाई चार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पाई चार्ट में क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, बिना क्वेश्चन को पढ़े ही मैं देख रहा हूँ कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कहाँ पर होती है? बोर्ड्स के क्वेश्चन में होती है। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। ठीक है, हम बहाव के साथ चलते हैं नदी में। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आप एक बात याद रखिए कि ये स्पीड्स जो होती हैं, बोट जो है ये हमारी मोटर बोट होती है। अदरवाइज़ हमारी जो हाथ से चप्पू से चलाने वाली जो बोट होती है उसमें तो स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं होगी ना। तो उसमें तो अगर हमारा जो बोटमैन है या नाविक है वो थक जाएगा तो स्पीड हमारी चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पर ये हमारी मोटर बोट होती है, इसलिए इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट मानी जाती है। और दूसरा हमारी नदी के बहाव की स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड। तो दो तरह का सिस्टम रहता है इसमें, एक है अपस्ट्रीम, एक है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब है कि आप बहाव के अगेंस्ट जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम का मीनिंग है कि आप बहाव के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में आपकी जो फाइनल जो स्पीड आएगी वो कम आएगी। ठीक है, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, अगर स्ट्रीम आपके अगेंस्ट है तो आपकी फाइनल स्पीड कम हो जाएगी। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा? आप बहाव के साथ जा रहे हैं तो आपकी जो रिजल्टेंट स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें क्या दिया गया? अपस्ट्रीम दिया गया। अपस्ट्रीम मतलब कि हमारी फाइनल जो रिजल्टेंट स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब हम दूसरा देखते हैं डायग्राम। इसमें दो डायग्राम और एक टेबल दी गई है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी गई है, डाउन स्पीड की हमारे पास स्पीड है। और तीसरा हमारे पास एक टेबल है। तो इस टेबल में क्या है? हमारे पास वीक डेज दी हुई हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसमें हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी गई है इन किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास, आपको बोट्स का पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए। विदाउट द आइडिया ऑफ बोट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मिक्सिंग है, मिक्सचर है क्वेश्चन दो तरह का, एक तो बोट का है, दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कहाँ तक जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर वन इसी कैटेगरी में है, टू हमारा इसी कैटेगरी में है। ठीक है, इसी पर बेस्ड है ये चल रहा है सभी। ठीक है, थ्री भी हमारा इस पर बेस्ड है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फोर भी हमारा इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर फाइव भी हमारा इस पर बेस्ड है। तो ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? एक कंटेनर है, एक कंटेनर कंटेन्स एक्स। ठीक है, पहले हम लिस्ट में देख लेते हैं कि लिस्ट में हमने क्या किया है। लिस्ट में हमने क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव को इस कैटेगरी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव हमारा इस कैटेगरी में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर क्या है? एक्स। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर एक्स लीटर हमारे पास मिल्क है। ठीक है, अब उसमें से कुछ एक जो मिल्क है, 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, एक चोर ने क्या किया है? उसको चुरा लिया है। ठीक है, उसकी जगह उसमें वाटर डाल दिया है। तो इस तरह से वो डालता गया है। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है कि दो हमारे पास, जब हमारे पास कुछ भी दो चीज़ें उसको मिक्स कर देते हैं तो वो क्या है, मिक्सचर है। अगर मिक्सचर्स को हम फिर अगेन मिक्सचर्स से मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं एलिगेशन। तो ये इसको कैटेगराइज करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, देखिए बीना, बीना हैज़ टू पे, ठीक है, रुपीस कितने पे करने हैं, 246। किसको पे करने हैं, सीता को, ठीक है, 5 मंथ लेटर, ठीक है, एट 6% SI। SI का मीन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपली हम इसको कैटेगराइज करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कुछ आगे देखना ही नहीं हमने, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में हमें तीन सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है, दो छोटे सर्कल्स हैं, ठीक है, छोटे सर्कल्स बड़े सर्कल के अंदर हैं। इसमें डायमीटर दिया हुआ है छोटे सर्कल का 15H, 15H, ये डायमीटर्स हैं छोटे सर्कल्स का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड फिगर का एरिया कितना है। तो बड़ा सर्कल, ठीक है, बड़े सर्कल में से अगर दोनों छोटे सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो वो सिंपली इसमें आपको चाहिए क्या, इसमें पाई आर स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, सिंपली आपको सब कुछ ये बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन भी इसी डायग्राम से बना है, इसमें रेशियो पूछी गई है छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की, ठीक है, तो सेम हमारा यूज हो जाएगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन हैं ये, कर सकते हैं आप इजीली। देन क्वेश्चन नंबर टेन है, इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, नो ब्रेनर। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है, ट्रेन देखते ही आपको कैटेगराइज करना है इस क्वेश्चन को किसमें, ठीक है, टाइम स्पीड, ठीक है, एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड। इसके ट्रेन का क्वेश्चन हमेशा डिस्टेंस टाइम और स्पीड में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है, एक ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर का क्वेश्चन कहाँ बन जाएगा, ठीक है, कुछ बेचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा ट्रेडर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की कैटेगरी में चला जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा रेशियोज में जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम पढ़ नहीं रहे इस क्वेश्चन को, सिंपली हमने देखना है क्वेश्चन को और कैटेगराइज करना है अभी। अब क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द, ठीक है, 20%, ठीक है, 20% प्राइस इंक्रीज किया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है, तो कितने ज़्यादा एग ले सकते हो, लो प्राइस इंक्रीज करेगा तो एक कम ले पाएगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो ज़्यादा ले पाएगा, ठीक है, शॉर्टकट्स हैं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप इजीली देख के भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रूट्स आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 15 में फ्रूट्स वर परचेज्ड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है इसमें, नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दिखाया गया है कि 350 में हमने फ्रूट्स परचेज की है, लेकिन इसके बाद इस 350 का कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ है। 9 बॉयज़ हैं, 9 लड़के हैं, 9 लड़के क्या करते हैं, 3/5 ऑफ द, तो यहाँ पर ये देखिए वर्क और टाइम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है टू ऑल्स, आगे वाली स्टेटमेंट में कहीं भी इस जो प्राइस का कहीं यूज़ नहीं है, वर्क एंड टाइम की कैटेगरी में जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने, उसको पहले वाले सेंटेंस को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, या आप इसको फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और दूसरा जी ऑफ एक्स है, ठीक है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा, सिंपल अगर फंक्शन से करेंगे ट्रिक से तो, शॉर्टकट से करेंगे तो टाइम कम लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सेट्स का क्वेश्चन है, सिंपली साफ साफ लिखा हुआ है सेट, ठीक है, तो सेट्स की कैटेगरी में डाल दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल एक सीरीज है, देखने से ही सॉल्व हो जाएगी, इसमें